उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुरुवार सुबह एक परचून दुकानदार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। आरोप है कि पड़ोसी युवक चीनी खरीदने के बहाने से आया था। जैसे ही दुकानदार ने दरवाजा खोला, पड़ोसी ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा का है। 32 साल का रामवीर अपने मकान के अगले हिस्से में परचून की दुकान चलाता था। पिता सोहनपाल का आरोप है कि गुरुवार तड़के करीब 5 बजे पड़ोसी आकाश व एक अन्य चीनी खरीदने के लिए दुकान पर आए। रामवीर ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उस पर आकाश ने फायर कर दिया। गोली लगने से रामवीर की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सीओ नम्रता श्रीवास्तव फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने परिवार व पड़ोसियों से पूछताछ की। पुलिस अभी तक हत्या के पीछे के सही कारणों का पता नहीं लगा सकी है। फिलहाल पुलिस ने पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।